हर्डल ना हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो और इस शहर को खूबसूरत बनाया जाए, इसमें सारे लोग रोल कर रहे हैं और हम हमारी गुजारिश है कि सभी लोग इसमें कोऑपरेशन दें। जिनकी गाड़ियां हम स्ट्रीट से हटाना चाह रहे हैं वो लोग, उनको बुरा लग तो रहा है बट लॉन्ग टर्म के लिए उनके भले की बात है और जिससे स्मूथ रोड चलेगी और शहर खूबसूरत होगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हमारी गुजारिश है कि सब लोग इसमें कोऑपरेट करें और इसको बेहतर करने में अपना योगदान दें। सभी मीडिया भाइयों में बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये लोग पब्लिक के बीच अवेयरनेस की बात लाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा ये डीसी अभी फिजर मंडी जो रोड है, ये कम से कम ये 30 फीट की चौड़ा है, ये 15 फुट इसमें इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। बस अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त रखी हुई है कि ये रोड बिल्कुल साफ किया जाए, किसी भी किस्म की अगर इंक्रोचमेंट हुई है उसको हटाया जाए, ताकि जो इस रोड के ऊपर एम्बुलेंस वगैरह चलती हैं रास्ते में रुक जाती हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता हॉस्पिटल पहुँचने तक। इसलिए इस इंक्रोचमेंट को हटाना बहुत लाजमी था कि काफ़ी देर से पब्लिक की जो परेशानी आ रही थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में बात आ रही थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जोरी ने इसके ऊपर डिसीजन लिया कि जितनी भी इंक्रोचमेंट होती है वो हटाओ और इसका कल परसों से काम शुरू हुआ है, वो कंटिन्यूसली जारी रहेगा। पहला दिन हमने हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था और दूसरा अब्दुल्ला ब्रिज से, बिल्कुल ये आज कम्प्लीटली ये जो हमारी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है और जो ये हम कर रहे हैं कि लोगों के चलने के लिए और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये चलती रहेगी और आगे भी हम इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। अगर शहर की बात की जाए बस स्टैंड से लेकर तहसील तक, वो कब होगा वो हम 2 दिन से कंटिन्यूस वहाँ भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं,
उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लेस होगा वो वहीं होगा, जो भी एनक्रोचमेंट वहाँ पे होगी, जो भी सामान दुकानदारों का बाहर होगा, हम उसको बिला इम्तियाज उठा लेंगे और सीज करके उनको फाइन भी करेंगे। रॉन्ग साइड जो पार्किंग आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आप खड़े हैं दोनों तरफ से पार्किंग हो रही है रॉन्ग साइड, देखिए यहाँ पे एक ट्रैफिक का इशू है जिस पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से भी चलना है, जैसे कि हमें पार्किंग का भी सोचना है, पार्किंग के लिए भी हमने कुछ प्रपोजल दिए हुए हैं इस बार, तो उस सेम टाइम हमने कुछ एरियाज को नो पार्किंग जोन भी डिक्लेयर करना है ताकि एक साइड पार्किंग भी रहे और एक साइड जो है लोगों को आना जाना भी रहे, तो वो भी उस पर भी काम चल रहा है, इसीलिए पूरी टीम आज आप देखेंगे है ताकि इस चीज़ को भी हम एनालाइज करके इसको कुछ एरियाज को नो